जय मसीह की। क्या अन्य भाषा बोलनी चाहिए? क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए? ये बहुत ही बड़ा एक अहम सवाल आज विश्वासी लोगों में है। आज हम बाइबल के वचन से इस बात को देखना चाहते हैं। और पहला कुरान थी उसका 14वां अध्याय और उसके दूसरे पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। और ध्यान समझना, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, मतलब अन्य भाषा जो बोलता है वो मनुष्य के साथ बात नहीं कर रहा है परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी कोई बात कोई नहीं समझता। वो परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करता है और इसलिए कोई भी मनुष्य वो जितना भी बोलता है उसमें से कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो आत्मा से भरकर भेद की बातें वो परमेश्वर के साथ बोलता है। कोई भी इंसान उसकी बातें जो है वो समझता नहीं है, मतलब अन्य भाषा जो बोलता है वो किसी इंसान के साथ बोलता ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ बात करता है। इंसान उसकी बात समझता भी नहीं है क्योंकि वो आत्मा में भेद की बात परमेश्वर से करता है। फिर तीसरे पद में ऐसा लिखा है, परंतु जो परमेश्वर के वचन पुकारता है वह मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मतलब जो परमेश्वर का उपदेश करता है, जो प्रचार करता है, वो इंसान मनुष्य की उन्नति करता है और वो शांति की बातें करता है। फिर चौथे पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, उससे उसकी खुद की ही उन्नति होती है। पर जो उपदेश करता है, जो प्रचार करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। मतलब जो अन्य भाषा बोलता है उससे कलीसिया की उन्नति नहीं होती, लेकिन जो प्रचार करता है उससे परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति होती है। तो अन्य भाषा बोलने से कलीसिया की उन्नति नहीं होती, ऐसा बाइबल में लिखा है। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 6वां पद, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, पौलुस ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हारे पास अन्य भाषा में आकर बातें करूं और प्रकाश और ज्ञान और भविष्यवाणी या उपदेश की बात तुमसे न कहो तो तुम्हें मुझसे क्या लाभ होगा। पौलुस बोलते, मैं तुम्हारे पास आओ और अन्य भाषा बोलता रहो, लेकिन प्रकाश की कोई बात मेरे पास नहीं है, मेरे पास भविष्यवाणी नहीं है, मेरे पास उपदेश नहीं है, तो मैं चाहे कितना भी बोलूं तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। मतलब अन्य भाषा में आप कितना भी बोलो लेकिन साथ में आप प्रचार नहीं करते, आप उपदेश नहीं करते, आप परमेश्वर के वचन नहीं पुकारते, तो आपसे किसी को कोई फायदा नहीं होता, ऐसा परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। फिर आगे पढ़ते उसका 13वां पद, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मतलब जो इंसान अन्य भाषा बोलता है उसको साथ में परमेश्वर से ये मांगना चाहिए कि जो बोल रहा है उसका अनुवाद भी उसको मिले और अनुवाद लोगों को बता सके, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। अन्य भाषा बोलने वाले को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि उसको अनुवाद भी आ जाए और लोगों को अनुवाद भी बताए।
फिर चौथे पद में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, पौलुस कहते हैं यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं आत्मा से तो कर रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं खुद क्या प्रार्थना कर रहा हूं। फिर आगे 15वें पद में लिखा है, सो क्या करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस कहते हैं मैं तो क्या करूंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मतलब ये कहना चाहता है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना मैं नहीं करूंगा। जब उसे खुद को नहीं पता चलता तो मैं अन्य भाषा में क्यों प्रार्थना करूँ, अगर मैं मेरी सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करूंगा तो मैं आत्मा से भी कर पाऊंगा साथ में समझ से भी प्रार्थना कर पाऊंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं समझ सके ऐसी भाषा में मैं तो परमेश्वर की आराधना करूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा और परमेश्वर की प्रार्थना भी मैं करूंगा ताकि मैं उसको समझ भी पाऊँ। फिर पौलुस ऐसा कहते हैं, आगे पढ़ते हैं उसका 16वां पद, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तू अन्य भाषा में धन्यवाद करता है परमेश्वर का, आत्मा ही से करता है, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा। अज्ञानी मतलब तेरे अन्य भाषा जो समझ ही नहीं सकता है वो तेरे साथ आमीन कैसे बोलेगा। मैं ऐसा बोलूंगा परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने समझ लिया जान लिया, आप बोलोगे आमीन, लेकिन मैं अन्य भाषा में बोलता हूं आपको पता ही नहीं चला तब आमीन कैसे कहोगे। पौलुस ऐसा कहते कि जो अज्ञानी जिसको तेरी भाषा समझ में नहीं आती वो आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता तू क्या कहता है, तू आत्मा से बोल रहा है वो बात सही है लेकिन तू क्या कहता है वो तो सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो फिर आमीन कैसे बोलेगा। फिर 17 पद में लिखा है, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है पर दूसरे की उन्नति नहीं होती। तू परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तू परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, इसलिए किसी की भी उन्नति तेरी अन्य भाषा से नहीं होगी। ऐसा पौलुस यहां पर पवित्र आत्मा से भरकर कहना चाहते। फिर आगे पढ़ते उसका 19वां पद, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। पौलुस ऐसा कहते कि मैं 10,000 बातें अन्य भाषा में कलीसिया में बोल दूँ उसमें से एक भी समझ में ना आए, इससे अच्छा है लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में मैं 5 बातें कहना पसंद करूँगा। मतलब ये कहना चाहते कि मैं अन्य भाषा बोलना नहीं पसंद करूँगा उस वक्त। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 23वां पद, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो तो सबके सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे। बोलो पूरी कलीसिया अन्य भाषा में बोलती होगी और बाहर से कोई अनपढ़ या नए लोग आएंगे जिनके पास अन्य भाषा है ही नहीं, वो लोग आपको इस तरह से अलग अलग भाषा में बातें करते हुए देखेंगे, एक साथ बोलते हुए देखेंगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, तो पागल लोग है। पौलुस ऐसा कहते हैं वो लोग ऐसा समझेंगे। और फिर आगे हम पढ़ते हैं उसके 26वें पद से लेकर 28 पद तक, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए। अभी देखो अन्य भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, अन्य भाषा प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पौलुस पवित्र आत्मा से बहुत स्पष्ट बताते, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। जब आप इकट्ठा होते हो तो आपको इतना करना है, भजन बोलना है, उपदेश करना है, अन्य भाषा बोलना है, प्रकाश की बातें करना है, अन्य भाषा का अर्थ भी बताना है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, ये सारी बातें आत्मा की उन्नति के लिए होनी चाहिए। फिर लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो
तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। पौलुस कहते कलीसिया में जब अन्य भाषा बोलनी है तो दो लोग बोलेंगे या ज्यादा से ज्यादा तीन लोग बोलेंगे, वो भी साथ में नहीं। ये बाइबल का वचन है, कलीसिया में अन्य भाषा दो लोग बोले या ज्यादा से ज्यादा तीन लोग, वो भी बारी बारी से बोले और कोई एक इसका मतलब बताए। और 28 पद में लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अगर वहां पर अनुवाद करने वाला कोई नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाले को शांत रहना है। ऐसा परमेश्वर यहां पर बहुत ही स्पष्ट जो है वो हमको कह रहे हैं। इस सारी बातों से एक ही बात पता चलती है, अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा का ही है, वो मूल्यवान ही है, वो अनमोल ही है, वो फायदेमंद ही है। लेकिन फिर भी पौलुस बोलते दूसरे को समझ में नहीं आती मत बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है उससे किसी की उन्नति नहीं होती। कलीसिया में दो बोलो या तीन बोलो, वो भी बारी बारी से बोलो, और मतलब बताने वाला ना हो तो ना ही बोलो। और फिर उसके 39वें पद में लिखा है, उसका 39 पद, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अब पूरा मना तो कर दिया और फिर पौलुस बोलते हैं अन्य भाषा बोलने की मना ना करो। तो पौलुस सही में ये कहना चाहते किस तरह से बोलना है। आप अन्य भाषा बोलते हो, दूसरा समझ नहीं पाता, उसके सामने मत बोलो। कोई समझ नहीं पाता तो किसी के भी सामने मत बोलो, उससे किसी की उन्नति नहीं होती तो मत बोलो। लेकिन आप आत्मा में परमेश्वर के साथ बातें करते हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है घर में अकेले में अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बैठकर बोला करो, बंद मत करो, पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। पर बोलनी है तो यही एक रीति है, अकेले में परमेश्वर के साथ में बैठकर अन्य भाषा बोलो, वरना अन्य भाषा मत बोलो। ऐसा हमारे परमेश्वर जो है हमें सिखा रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।